सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, आज मैं शुरू में आपको बताऊंगा कि पीरियड्स और एबॉर्शन की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि महावारी और गर्भपात के खून में क्या अंतर है, क्या पहचान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के बटन को क्लिक कर दे ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए करे। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पहचान है, सबसे पहला जो अंतर है, पीरियड्स की ब्लीडिंग ज़्यादातर महिलाओं को 3 से 5 दिनों तक ही होती है, लेकिन गर्भपात की ब्लीडिंग 10 से 15 दिनों तक हो सकती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो सबसे बड़ा पहचान है, पीरियड्स का कलर। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लीडिंग का कलर, पीरियड्स में ब्लीडिंग का कलर लाल रंग का होता है और इसके साथ आपको हल्का पेन, हल्का दर्द हो सकता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है फ्रेंड्स। लेकिन गर्भपात, मिसकैरेज या एबॉर्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ कत्था यानी कि ब्राउन या काले गहरे रंग का खून के थक्के जैसा ब्लीडिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है तो आपका गर्भपात या मिसकैरेज या एबॉर्शन हो चुका है। फ्रेंड्स, तीसरा जो सबसे बड़ा पहचान है, पीरियड्स ज़्यादातर महिलाओं को टाइम पर आती है, लेकिन गर्भपात हमेशा पीरियड्स मिस होने के 1 या 2 हफ्ते बाद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप ये सारे तीनों सिम्टम्स, ये सारे तीनों डिफरेंस की मदद से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो मिसकैरेज है, एबॉर्शन है, गर्भपात है या आपका पीरियड्स आ गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मुझे पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है। मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो हर रोज़ लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स के मन से भी ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके और वो बहुत ही आसानी से डिफरेंस को पता कर सके। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो हर रोज़ मिलती रहती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।